नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। यूपी में सपा ने भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। वही 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा अपनी जीत का दावा कर रही है और एक बार फिर अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा है। लेकिन इसी बीच एक और चर्चा जोरों पर है और वो है अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री बनने की। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, ये खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर जवाब दिया है। अखिलेश ने पीएम बनने के सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री बनकर सबसे पहले तो शपथ लेंगे, इसके बाद देश को सुधारेंगे, देश बहुत आगे जा सकता है। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव को देश का प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा हुई हो। लोकसभा चुनाव में भी जब इंडिया गठबंधन ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, तब भी ये सवाल उठे थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा था, तो वहीं सपा ने कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सपा सुप्रीमो, अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि ना तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनी और ना ही अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन पाए, उनका यह सपना अधूरा ही रह गया। जाहिर है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बागडोर संभालने के दौरान भी तमाम बवाल झेलने वाले अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नेता विरोधी दल हैं। अखिलेश यादव बहुत कम उम्र में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सपा ने लोकसभा चुनाव में अब तक के अपने इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसने कुल 37 सीटें जीती। इस तरह सपा देश की तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।